स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रा संवरुणा शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्मा। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। आज के सभी हमारे अधिकारी वर्ग पूजा के मात्र शक्ति हमारे बहुत ही आर समाज के कार्य को आगे बढ़ाने में तत्पर श्री सत्यनारायण जी, युवा कर्मठ कार्यकर्ता श्री त्रिलोकनाथ जी और मेरे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे मंत्री श्री श्यामलाल जी और हमारे युवा पुरोहित भजन उपदेशक विद्वान श्री कैलाश जी, ईश्वर की कृपा से आप सबके सहयोग से ये सत्संग का अवसर हम लोगों को प्राप्त होता है। और इस सत्संग में अध्यात्म से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर जो हमारे विद्वानों ने, दर्शनकारों ने जो चर्चा की है उनसे हम लाभ उठाते हैं। इस कार्यक्रम में एक क्रम में हमने योग दर्शन का जो पहला सूत्र है उसको समझने की कोशिश की और परमात्मा का शासन इस सृष्टि के ऊपर है इसकी अवधारणा को अपना और पक्का करके हृदय में स्थापित करें, ये योगी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बात कि योग दर्शन के ऋषि ने योग को परिभाषित किया है तो उसमें हमने हल्की सी चर्चा आपके समक्ष की थी कि दूसरा ही सूत्र योग दर्शन का बताता है कि योगश्चित वृत्ति निरोध, अर्थात योग क्या है, बोले चित्त की वृत्तियों के निरोध करने का नाम योग है। तो इसमें हमने संकेत किया था कि इसमें एक तो चित्त आ रहा है और उसकी फिर वृत्तियां आ रही हैं, अब इनके निरोध करने का नाम योग है जिसको समाधि भी कह सकते हैं आप। तो अब इसमें चित्त को समझना आवश्यक है, फिर उनकी वृत्तियों को समझना आवश्यक है और फिर इनसे किस कौन से वो साधन हैं जिनसे इनका निरोध होता है ये समझना आवश्यक है। तो इसी क्रम में हमने आपके समक्ष चर्चा की थी कि चित्त पांच प्रकार का होता है, पांच प्रकार की अवस्थाएं हैं चित्त की। तो प्रथम दो में तो संभव ही नहीं है योग या ध्यान करना, क्षिप्त और मूढ़ में। विक्षिप्त से ये कार्यक्रम शुरू होता है। विक्षिप्त का अभिप्राय यह कि चंचलता, चित्त में बहुत चंचलता होती है तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने, अनुभवी लोगों ने कुछ साधन हमें बताए हैं कि उनका प्रयोग करके हम चित्त को एकाग्र अवस्था में ला सकते हैं। और योग दो ही अवस्था में संभव है, या तो एकाग्रता या निरोध। तो एकाग्रता के लिए सारा प्रयास हमें करना है और उसके बाद फिर निरोध की बात आ रही है। और जहाँ तक हमारे परमात्मा का या हमारे शरीर का, हमारे जीवन का जो देश है उसकी ओर भी ये तीसरा जो सूत्र है वो इशारा कर रहा है। और इसकी व्याख्या महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्याप्रकाश के नमो समुल्लास में की है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये सूत्र है। इसमें बहुत बढ़िया प्रेरणा स्वामी ने भावार्थ करते हुए लिखी कि जब चित्त एकाग्र और निग्रह हो जाता है तब सबके सृष्टा ईश्वर में जीव की स्थिति हो जाती है।
तो यही तो हमारा लक्ष्य है कि जो परमात्मा का सर्वत आनंद बह रहा है, वो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो उसमें हम निमग्न हो जाएं, जीवात्मा उसमें डूब जाए, ये हमारा लक्ष्य है। इसी को शास्त्रकारों ने अपने ढंग से तुरीय अवस्था का, शरीर की तुरीय अवस्था यही तो है, जो सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था में यही अंतर है कि सुषुप्ति अवस्था तो परमात्मा ने अपनी तरफ से, कोई पापी हो, पुण्यात्मा हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, सबके लिए व्यवस्था की है कि रात को सुषुप्ति में ले जाकर परमात्मा जीवात्मा को शक्ति से भर देता है। जैसे आज की भाषा में कहें तो बैटरी चार्ज हो जाती है हमारी और तरोजा ताज़ा होकर फिर अगले दिन काम करते हैं। तो ये तो ईश्वर की तरफ से है, पर इसी अवस्था को, इसी आनंद को, इसी चेतना ऊर्जा को जब जागृत अवस्था में साधनों का प्रयोग करके प्राप्त की जाती है तो उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। ये फर्क है। सुषुप्ति अवस्था तो परमात्मा ने अपनी तरफ से की है, वहाँ तो हमें अपना भी ज्ञान नहीं रहता। जब हम उस आनंद के समीप पहुँच जाते हैं तो हमारा अपना स्वरूप भी नहीं रहता हमें, लेकिन तुरीय अवस्था में पूरे जागते हुए साधन, जागृत अवस्था के साथ शरीर का अपना साधते हुए, तपस्या करते हुए और उस अवस्था को प्राप्त कर लेना, जो आनंद सुषुप्ति में प्राप्त होता है वो जीवात्मा जागृत अवस्था में प्राप्त कर ले, ये जीवन का लक्ष्य है शरीर का। तो इसीलिए इसको तुरीय अवस्था, तो स्वामी जी ने भी इसी प्रकार से इशारा किया है कि जीव जो है इसमें जैसे हम डूब जाते हैं, बिल्कुल निमग्न हो जाना उस ऊर्जा के साथ, परमात्मा के आनंद के साथ, ये तीसरा संकेत हो रहा है। तो अब इसमें जो बाधा आ रही है वो ये है कि पहले तो चित्त को समझो, और चित्त का हम आपको बता चुके, चित्त की अवस्थाएं पर भी हमने चर्चा कर दी। अभी इसी में जो अंतिम दो अवस्थाएं हैं इनमें ही योग संभव है, और इन्हीं में योग या समाधि कह लो, तो इसके अलग अलग दो नाम दे दिए हैं, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि क्या है, इसके भी चार भेद हैं, और ये जो भेद हैं ये किस कारण से हैं, ये इस कारण से हैं कि एक अच्छे से हम इस बात को समझ लें, जो मेरे जीवन का भी एक अनुभव है, मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि ये चिंतन हमारे दिमाग में रहना चाहिए। वो चिंतन क्या है कि सृष्टि की रचना को देखकर उसमें हम भी शामिल हैं, ये पता लग रहा है कि जो सृष्टि की रचना का जो क्रम है वो क्या है, सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ। ये अच्छे से समझ लें इस बात को, जो सृष्टि का जो निर्माण हो रहा है उसमें जो क्रम दिखाई दे रहा है वो क्या है, सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ। ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे, बहुत छोटे से बारीक से और बड़े की ओर, ये सीधी भाषा में अपनी, तो इस ओर विकास हुआ है। अब इसी को जब हम समझ लेते हैं इसकी वास्तविकता को, तो अब हमारा जो लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य वो है जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमारा जो प्रयास है वो सारी जो गतिविधियां, सारी जो साधना इस बात के लिए है कि स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, ये है क्रम, विकास हुआ है सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ, और साधना करनी है ज्ञान के आधार पर उन्हीं चीजों को जो स्थूल से सूक्ष्मता की ओर है, उसके उसको रहस्य को समझना है, और इसी रहस्य में, इसी प्रक्रिया पर, इसी में कदम बढ़ाते 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 हम अपने स्वरूप को भी समझ लेंगे, क्योंकि वो भी सूक्ष्म है, और उसके बाद जो परमात्मा वो तो अति सूक्ष्म है, उसको समझने की योग्यता हमारे अंदर आ जाएगी। अब ये क्रम में ढूंढना हर चीज में कि जो सूक्ष्मता की, उसका जो सूक्ष्म भाव है, तो यहाँ पर भी देखो जो चार भाग किए गए हैं हमारे असंप्रज्ञात समाधि के, उसमें भी यही भाव है। पहला उसका नाम है वितर्कानुगत, फिर है विचारानुगत। वितर्कानुगत का अभिप्राय यह है कि पहले जो आलंबन या लक्ष्य बनाना है शुरुआत करने के लिए क्या है, वो स्थूल होगा, स्थूल होता है लक्ष्य, पहले स्थूलता से, उसके बाद में फिर होगा वो सूक्ष्म होता चला जा रहा है। तो जो स्थूलता को समझने के लिए जैसे हमें लक्ष्य बनाना है, ध्यान एकाग्रता लानी है, एकाग्रता के लिए तो यही है ना, दूसरा पहले एकाग्रता का करना है, व्यक्ति हमारी एकाग्र हो, तो उसके लिए जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारी सोच क्या होनी चाहिए,
हमारा विचार ये होना चाहिए, जैसे निशाना लगाने वालों को जब निशाना सिखाया जाता है तो क्या होता है, बहुत बड़ा बोर्ड पर ऐसे गोला बना दिया जाता है, काफ़ी बड़ा, और उसको कहते हैं भाई लगाओ, चाहे वो तीरंदाजी हो या पिस्टल हो, अभ्यास इसी प्रकार से होता है। तो पहले जो है क्या करते हैं, अब आप देखो जो शुरू में जब अभ्यास नहीं होता तो वो निशाना कभी इधर बाहर जा रहा होता है, कभी इधर निकल जाएगा, इतने बड़े गोले पर भी केंद्रित नहीं हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते लगाते लगाते क्या होगा, फिर गोले के अंदर, फिर हम क्या करते हैं जो सिखाने वाले उस गोले को छोटा करते चले जाते हैं, छोटा करते चले जाते हैं, और हमारा देखते रहते हैं कि निशाना बीच में आ गया, और अंत में जो हम अच्छे निशानेबाज तब माने जाएंगे परीक्षा में पास, जब क्या होगा, जब एक पॉइंट पर वहाँ गोला नहीं दिखाया जाता, फिर बिंदु लगा दी जाती है और उस बिंदी पर भी निशाना लगा दें। बस इसी प्रक्रिया को यहाँ समझने की ज़रूरत है। जो वृत्तियों का जो जाल है ये फैला हुआ है, इन सबको एकाग्रता में लाना है, कंसंट्रेशन में पैदा, इसी को तो कहा जा रहा है एकाग्रता। एकाग्रता क्या है, तो वृत्तियों की एकाग्रता है। अब चित्त को हम समझा चुके, फिर थोड़ा दे रहा हूँ प्रकाश, चित्त को एक सरोवर की तरह समझो। चित्त जो है हमारा एक सरोवर है, और उसमें तमाम प्रकार के किए भोगे सब संस्कार उसमें मौजूद हैं, अनुभूतियाँ मौजूद हैं चित्त, और वो जो स्थिति है वो कैसे प्रभावित करता है, तो जैसे लहरें उठती हैं समुद्र के अंदर, तो वृत्तियाँ लहरों के समान हैं ना, वो कुलबुलाती रहती हैं, वो प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि उसमें लहरें हैं तमाम, उसने अनुभव किए हैं तो वो उसे खींचती हैं। आँख का अपना टेस्ट है, जिब्बा का अपना टेस्ट है, सबने अपने अपने आधार पर सबने वह सूक्ष्म रूप में योगदान किया है, अब वो कुलबुलाती रहती हैं, कोई चीज़ आई सामने आया, दृश्य आया या अपने आप भी अंदर से, तो उसी ओर हमें खींचती है कि अब हमने कोई चीज़ देखी, बोले हाँ मैं खा चुका हूँ इसको, कर चुका हूँ उसका टेस्ट, वो देखो वृत्ति उसके साथ जोड़ने की कोशिश। तो इसी प्रकार से ये वृत्तियों को एकाग्र करना है, कंसंट्रेशन करना है वृत्तियों के एकाग्रता के लिए, तो ये प्रयास होना है, तब हमारे अंदर चित्त में भी एकाग्रता आ जाएगी। चित्त की जो अवस्था है जिसको एकाग्रता में समाधि लगाने की बात आ रही है उसमें भी यही है। तो अब एकाग्रता के लिए जो चार भाग हैं तो उसमें भी ये इसी तरीके से समझाया गया है कि पहला है वितर्कानुगत यानी स्थूल, फिर है विचारानुगत उसी लक्ष्य को, उसी विषय को, उसके सूक्ष्म भाव में घुस जाना, प्रवेश कर लेना। जैसे अब पृथ्वी अग्नि वायु जल इनका आप अनुभव कर रहे हैं, है ना, इसका हम ध्यान कर रहे हैं किसी भी प्रकृति जन चीजों की, उसके बाद इनकी जो सूक्ष्म उसमें हमारा चिंतन जाना चाहिए। सूक्ष्म क्या है, जिसको तन्मात्रा कहा गया है। तो जैसे अग्नि का तन्मात्रा क्या है, रूप, आकाश का तन्मात्रा क्या है, शब्द, स्पर्श का तन्मात्रा क्या है, वायु। तो वायु अग्नि स्पर्श आदि यानी रूप रस गंध और स्पर्श, ये पांच क्या हैं, ये अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश इनका सूक्ष्म भाग है, इसको तन्मात्रा कहा जा रहा है। तो विकास जब हमने पहले दिन आपको बताया था तो विकास किस क्रम में हुआ है, तन्मात्रा से स्थूल बना है। अब इसे हमें उल्टा करना है, क्योंकि हम तन्मात्रा को समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसी क्रम को उलट देंगे तो हम वहीं अपने मूल में पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसी क्रम से तो यहाँ पर बताया वितर्कानुगत विचारानुगत, फिर बोले विचार करते करते जब सूक्ष्मता को अवस्था में पहुंचेंगे तो क्या अनुभव होगा, हमें आनंद का अनुभव होगा, आनंदानुगत। आनंद का मतलब उस पदार्थ को खोदते खोजते उसकी जो बारीक अवस्था में पहुंचेंगे तो उस तंतु तक उस पदार्थ से हमारा संबंध बन जाएगा जो आनंद भरा हुआ, आनंद से, समझ गए, आनंद से भरा। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं, जैसे जैसे हम प्रकृति से अपने अवयवों को दूर करना शुरू कर देंगे तो परमात्मा की तरफ हमारी वृत्ति बनेगी। इसीलिए दो भाग करें ना, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति क्या है, जो क्लेशों के द्वारा उत्पन्न हो रही है तो सांसारिक विषयों की ओर खींचती है, और हम ज्ञान पूर्वक अक्लिष्ट वृत्ति उसको कहते हैं कि हम जान गए कि इन विषयों में कुछ नहीं रखा, ये कोई स्थायी नहीं है। तो अक्लिष्ट वृत्ति उसको कहते हैं कि अब इसको जानने के बाद तो उसकी गति किधर होगी, परमात्मा की तरफ होगी। तो ये जो भाव, ये जब ज्ञान होगा, यही यहाँ बताया जा रहा है कि जब इस स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाएगा तो क्या होगा, उसे आनंद की अनुभूति होगी, आनंद में रहता है, मस्ती में अपना, सब वृत्तियों पर जब से नियंत्रण कर लिया तो स्थूल भाव को भी सूक्ष्म भाव को समझ गया, तो फिर जो अति सूक्ष्म भाव है वो क्या है, परमात्मा है, उससे ज़्यादा तो सूक्ष्म कुछ है नहीं उसके साथ हमारा। और उसी में फिर चौथी स्थिति क्या आ जाएगी, जब हम आनंद की अनुभूति करते करते शरीर में आनंद का अनुभव करेंगे, बैठते उठते सुन रहे हैं, किसी वाणी का प्रभाव आ रहा है, कोई बात आ रही है, विचार आ रहा है, तो आनंद पैदा हो रहा है कि नहीं अंदर से। इसी के बाद में क्या होगा कि जब इसको बार बार लगातार अभ्यास में, तो क्या होगा, अस्मिता अनुगत, अस्मिता
अस्मिता का अर्थ क्या है, मैंने एक बार चर्चा कर चुका हूँ। अस्मिता का अर्थात वो अनुभव कि हम समझ रहे थे कि हम एक ही हैं, हैं अकेले अपने को नहीं, हम दो हैं अंदर आत्मा। अस्मिता का अर्थ ये हो गया कि अब आनंद के बाद परमात्मा की फिर हमारे अंदर ये अवस्था पैदा हो जाती है कि हम आत्मा के स्वरूप में आ जाते हैं। आत्मा के स्वरूप का मतलब यह है कि शरीर से अपना संबंध काट दिया हमने, अब आत्मा अपने स्वरूप में आ गई, तो ये लक्ष्य अपने स्वरूप में आ गई तो आत्मा परमात्मा का तो हमारा निकट का संबंध है, इतना निकट का है, कहते हैं भाई व्याप और व्याक दर्शन की भाषा में कहें सूक्ष्मति शोध। और दूसरा शब्द क्या प्रयोग होता है, ओत प्रोत, बाहरी नहीं भीतर भी सब प्रकार, इस प्रकार का हमारा संबंध है। तो जैसे हम अपने स्वरूप में आए, प्रकृति से दूर हो गए, तो हम किस में डूब गए, परमात्मा के आनंद में, परमात्मा की स्थिति में डूब गए, यही हमारा लक्ष्य है। तो इस प्रकार से असंप्रजात समाधि को इस रूप में ऋषियों ने वर्गीकरण किया है। इसके सूक्ष्म भाव पर चिंतन करते करते, अभ्यास करते करते ये लक्ष्य प्राप्त होता है। उसके बाद अब जो समझने की चीज है वो क्या है, ये वृत्तियां क्या है, ये हमने बता दी तरंगे हैं, लेकिन ये कितने प्रकार की हैं, इनका जन्म कैसे होता है, वो कौन कौन से माध्यम है, हम उनको अगर समझ लेंगे तो उनसे दूर कर लेंगे अपने को। तो इनका जन्म कहाँ से होता है वृत्तियों का, तो वहाँ उसके भी पांच भाग कर दिए। वृत्तियां जो हैं ये पांच प्रकार की हैं, अब ये थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ता है इनके लिए। तो अब क्या है वो पाँच वृत्तियाँ, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पांच माध्यम हैं जिनसे हमारे अंदर वृत्तियों का जन्म होता है। अब प्रमाण में क्या है, प्रमाण में यह योग दर्शन ने तीन भागों में बांट दिया इसे, एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और तीसरा है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष यह है कि जो इंद्रियां अपने संसार के जो प्रत्यक्ष रूप में आंख से देखती है, कान से सुनती है, स्पर्श करती है, तो वो अजीबा से चखती है, तो ये प्रत्यक्ष हो रहा है उस पदार्थ का। तो उस पदार्थ से जो चीज हमारे प्रत्यक्ष रेंज में है उनसे भी वृत्तियां पैदा होंगी, तो उससे जो वृत्ति पैदा होती है उसको कहा गया ये प्रमाण के उसमें रखा है। उसके बाद अनुमान से होती है, अनुमान के आधार पर भी तो हम तमाम चीजों को मानते हैं और व्यवहार करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उससे भी उसी प्रकार की वृत्तियां पैदा हो रही है। और तीसरी कैटेगरी रखी सब प्रमाण, इसको आत्म प्रमाण भी लिखा स्वामी ने। वो कहते हैं कि जो किसी विद्वान ने अपने अनुभव के आधार पर, स्वाध्याय के आधार पर साधना करके और उसका साक्षात्कार कर लिया है, अब वो जो ज्ञान हमें दे रहा है तो वो भी हमारे लिए प्रमाण है, उसके प्रति भी श्रद्धा रखनी है। आज स्वामी दयानंद जो है हमारे लिए इसी कैटेगरी में तो हैं कि वो हम उनको आत्म प्रमाण के रूप में देखते हैं, सब प्रमाण के रूप में, क्योंकि कितनी ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो स्वामी जी ने तो दी हैं जिनसे हम लाभ उठा रहे हैं। बाकी जैसे अभी आप देखो दैनिक यज्ञ करते हैं, दैनिक यज्ञ की आहुतियाँ प्रातःकाल की अलग, सायंकाल की अलग। अब कोई पूछे कि भाई इसका क्या प्रमाण है, ये कहाँ लिखी हैं, यही आहुतियाँ वेद की, इनसे ही आहुति दी जाती है प्रातःकाल की और सायंकाल की, तो ये तो नहीं मिलेगा कहीं। लेकिन हमारे पास ये है कि इसलिए कि स्वामी दयानंद ने प्रक्रिया बना के दी है, इसलिए मानते हैं हम इसको, अब वो हमारे लिए आप प्रमाण है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि की जो चर्चा वो सारी अपने बिल्कुल विधि विधान से है और हमारे लिए लाभान्वित है। वो तीनों प्रकार के जो लक्ष्य है, हमारी शारीरिक उन्नति भी होती है, आत्मिक उन्नति भी होती है और सामाजिक उन्नति भी होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो ये हो गया सद प्रमाण, आत्म प्रमाण, इससे जो वृत्तियां पैदा होंगी उनको इस कैटेगरी में रखा। तो तीन में प्रमाण, उसके बाद है विपर्य, विपर्य होती है जिसको उल्टा कर दो, सीधा अर्थ आ रहा विपर्य मतलब उल्टा, जो पदार्थ वैसा होता नहीं है पर हम अपनी अज्ञानता के कारण उसमें वैसी धारणा कर लेते हैं, तो इससे जो वृत्ति पैदा होती है उसका नाम है विपर्य वृत्ति। जैसे अब कहीं रस्सी पड़ी है ना, रस्सी पड़ी हुई है अंधेरे में, हमने उसे सांप समझ लिया तो हम डर गए, हमारे अंदर भय पैदा हो गया कि नहीं हो गया, तो वृत्ति पैदा हो गई, वो समझ लो तो वो उसका संस्कार पड़ गया। तो इसी प्रकार से विपर्य यानी उल्टा, कहीं सीप में देख लिया चमक है, ये सब दर्शनकारों ने यही उदाहरण दिए हैं, सीप में जो है उसकी चमक को देखकर हम चांदी का विश्वास करने लगते हैं कि भाई इसमें चांदी है, लेकिन जब करीब से देखते हैं उसको कुरेदते हैं तो पता लगता नहीं चांदी नहीं है तो सीप। तो ये जो इस प्रकार के जो पदार्थ नहीं है लेकिन अपने व्यवहार में अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमें वैसा ज्ञान नहीं है, अब उनको हम कल्पना कर लेते हैं, उससे ही प्रतियां पैदा होती हैं। अब आप देख लो ना आत्मा, भूत प्रेत, ये जो तमाम तांत्रिकों के, ये क्या इनका कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी मृत्यु का भी कोई अस्तित्व नहीं है, पर इसकी चर्चा कर करके अज्ञानता के कारण कितनी इसको मानते हैं, गंभीरता से लेते हैं समाज में तमाम आज,
तो ये क्या है, तो ऐसी मिथ्या बातों से भी जो ज्ञान पैदा होता है, जो वृत्तियां पैदा होती हैं, उसको कहते हैं विपरीय उल्टी। उसके बाद में तीसरे नंबर पर कौन सी वृत्ति पैदा होती है, वो है विकल्प। प्रमाण, विपरीय और विकल्प। विकल्प कौन सी वृत्ति होती है, हिंदी का शब्द बता रहा है विकल्प, अर्थात जो संसार में होता नहीं है लेकिन उसके ना होने के बावजूद भी हम व्यवहार चलाने के लिए मान लेते हैं कि भाई ये भी सुनी है हमने, ऐसी भी चर्चाएं लोग पैदा कर देते हैं जबकि वो होता नहीं है। जैसे आप कोई कहे भाई मैंने आकाश का फूल देखा, बोलो कोई आदमी हमसे कहे भाई मैंने अपने जीवन में आकाश का फूल देखा, तो आकाश का फूल होता है क्या, कहीं है ना। कोई कहे भाई मैंने जो खरगोश के सिर पे सींग देखे, तो खरगोश के सिर पे सींग नहीं होते। तो ऐसी भी धारणा, ऐसे भी विचार, इस प्रकार भी ज्ञान की चर्चा हम अपने इंद्रियों से ग्रहण करते हैं और उसकी भी वृत्ति बनती है। वो भी वृत्ति बन गई, वो हमने बना ली, है नहीं पता, उसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। अब ज्यादा और अधिक व्याख्या चाहते हैं तो थोड़ा सा सारा लोग किताबों का पढ़ना पड़ेगा। विकल्प, उसके बाद में फिर क्या वृत्ति बनती है, निद्रा, नींद में। नींद में जब सोते हैं उस समय भी वृत्तियां पैदा होती हैं। उसमें क्या नाम है, हम एक वृत्ति तो यही पैदा होती है भाई नींद आ रही है, आनंद आ, सुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति हो रही है वहां पर, तो सुख की वृत्ति पैदा हो गई। अब वही चीज खींचती है बार बार हमें कि भाई आज नींद आए सो के इस प्रकार से, तो उससे भी एक वृत्ति का जन्म हो रहा है। और कई बार हम उसके इतने शिकार हो जाते हैं, जबकि हमारे विद्वान, हमारे डॉक्टर्स आयुर्वेद के क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, बोले दिन में नहीं सोना चाहिए, है ना, और रात को सोने का भी अपना समय निर्धारित करो, उस ठीक समय पर उठो। लेकिन हम उसके उसको नहीं कर पाते उसका पालन, तो हम क्या है उस वृत्ति का शिकार हो रहे हैं जो हमने टेस्ट ले लिया दिन में सोने पर। दिन में सोने पर कभी हमें कुछ आनंद आ गया, कुछ हमें सुख की अनुभूति हुई, अब वो हमने आदत में डाल ली। जबकि आज आप किसी भी डॉक्टर से, जो अच्छा अगर नसों से संबंधित डॉक्टर आप बात करो उससे, तो बताएगा कि दिन में सोने से क्या होता है कि नसें जो है कमजोर हो जाती हैं दिन में सोने से। आप पूछ लेना किसी भी डॉक्टर से जो न्यूरोलॉजी वगैरह के जो मस्तिष्क संबंधी डॉक्टर हैं, बताएंगे आप। तो यही चीज, ये क्या हो गई, ये निद्रा का प्रभाव, नींद से भी वृत्तियां पैदा हो रही हैं। कुछ हम ऐसे स्वप्न देखते हैं, डर गए उसमें, कुछ पुराने उसे भी वृत्तियों का जन्म हो गया, भय भी, भय लगने लगा, इसका मतलब भय की वृत्ति पैदा हो गई वहां पर, समझ गया। तो ये इसमें भी जो नींद में जाकर भी जो वृत्तियां पैदा होती हैं, हम अपनी अज्ञानता के कारण इस प्रकार के झंझावाटों में जुड़े हुए रहते हैं, वही रात को सपने में आता है, तो वो वृत्ति भी हमारे लिए कष्ट का कारण है। और उसके बाद में क्या है, स्मृति, पांचवी वृत्ति जो है स्मृति। स्मृति मतलब जो खाया पिया भोगा वो देख लो भाई, अब मैं तो अपने आप को जानता हूँ, आप खुद अपने विचार कर लो। युवावस्था में, जवानी के क्षेत्रों में जो भी चीजें कुछ काम की हैं, खाया पिया, वो अभी भी कई चीजें जाने अनजाने में पीछा नहीं छोड़ती, रात को सपने में कहीं स्मृति में वही चीज विवश कर देती है, एकदम स्मृति आ जाती है। जानते हैं कि भाई ये चीज गलत है, इसका परिणाम गलत है, पर वो स्मृति बार बार प्रेशर करती है, अरे भाई देखो मैंने वहां गए थे तो ये फल खाया था, मैंने वहां बाग में ये सुख भोगा, ये देखो स्मृति के आधार पर आनंद लेते हैं कि नहीं, जुड़ रहे हैं कि नहीं वो। तो ये कौन सी स्मृति, जो हमने स्मृतियों के आधार पर जो वृत्ति पैदा हो रही है कि हम सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, 20 साल पहले मैंने ये ऐसे किया था, ये भोगा, इसका ये टेस्ट आया। तो ये क्या है, स्मृतियों के आधार पर भी जो वृत्तियां बन रही हैं, और उसी प्रकार की हम भी सक्रियता आ जाती है शरीर के अंदर, तो इसको कहते हैं स्मृति वृत्ति। तो ये पांच वृत्तियां हो गई ना, प्रमाण, विपरीय, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। अब इनको समझकर इसको कंट्रोल करना है। अब इन व्यक्तियों को नियंत्रण करने के लिए तो थोड़ा अभ्यास की, मुख्य साधन क्या है इसके लिए, वैराग और अभ्यास, ये आपको मिलेगा पढ़ेंगे किताब में। तो अर्थात ये जो वृत्तियां हैं जो हमारे लिए तरंगों के रूप में विषयों को खींचती रहती हैं आत्मा की तरफ चित्त के माध्यम से, तो उसको हम कैसे रोकें, इनका संबंध कैसे काटें, तो उसके लिए हमें दो साधन बताए गए, एक अभ्यास और वैराग। अब इन दोनों पर चर्चा करने से पहले जरा सा मैं एक सूत्र और आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो भी बहुत जरूरी है, इसको समझ लें अच्छे से। देखो हम शरीर में, हमारी आत्मा को क्या कहा गया है, रथी। रथी मतलब मालिक है, रथ में स्वामी होता है ना, तो आत्मा क्या है, हमारा स्वामी है इस रथ का। अब इसके बाद में मन को लगाम की उपमा दी गई है ना, कि मन लगाम है, और जो हमारी इंद्रियां इनको घोड़ों की उपमा दी गई है, और जो घोड़े रास्ते पे चलते हैं वो इनके विषय हैं, समझ गया। और सारथी की उपमा किससे दी गई है, अपने समझाने के लिए, बुद्धि को, बुद्धि, बुद्धि और ये सब इनके परस्पर कनेक्टेड चीजें हैं।
तो इनका जब विश्लेषण करते हैं तो आप समझिए कि आत्मा के साथ दो प्रकार का चैनल है, ये अच्छे से समझ लें, जिनसे काम लेता है। एक चैनल तो ये है कि आत्मा जो चित्त पर उसके सामने प्रतिबिंबित हो रहा होता है विषय, उससे प्रभावित होता है। जो चित्त में मेमोरी इकट्ठी कर ली, हमने खाया पिया, उसका जो संस्कार है वो उसके प्रकाश से चित्त पर से वो उससे प्रभावित होता रहता है। आत्मा दुखी और सुखी दोनों होता रहता है, उसके अनुरूप बन जाता है। एक चैनल तो ये है। दूसरा चैनल ये है कि आत्मा जो है वो मन के माध्यम से मन को प्रेरित करता है। कोई जब उसके अंदर चीज आई देखनी है, खाने कुछ भी विचार कम, तो मन को प्रेरित करता है। वो मन जो है इंद्रियों को प्रेरित करके उस विषय के साथ संयुक्त हो जाता है और तब उसका ज्ञान आत्मा को होता है। आप समझ गए? तो ये दो चैनल हैं। अब इसमें ब्रेक अगर कर दिया आत्मा को, जो बात पहला वाला चैनल, दूसरा जो मैंने बताया कि मन के साथ, वो अगर मन को आप हटा देंगे वहां से विषयों के साथ, तो फिर क्या होगा? आत्मा भी इंद्रियों के विषय से हट जाएगा। आंख देख रही होगी, कान सुन रहे होंगे, लेकिन चूंकि मन आपका वहां जुड़ा हुआ नहीं है उस चीज के साथ, तो आप उसकी आसक्ति में नहीं फंसोगे। आंख से देखते रहोगे, कान से सुन भी, आवाज भी आ रही है, लेकिन मन नहीं है वहां पर उस विषय के साथ, तो आप उसके आउट ऑफ टच रहोगे। समझ तो इस कर्म को समझने के बाद जो साधना करनी है, तो इन सब बातों को समझना है। तो ये दो चैनल है। तो अब इस चैनल में ही जो चित्त की वृत्तियां जो है, ये वाला चैनल आत्मा जिसे प्रभावित हो रहा है, तो इसीलिए मैंने कल भी कहा था अरविक्षु जी की, तो सारा झगड़ा क्या हो रहा है? अगर चित्त जो हमारा एकाग्र और निग्रह हो जाए, निग्रह का मतलब है शुद्ध, साफ सुथरा, कोई दोष नहीं रहे उसमें, स्वीकार का एकदम शुद्ध हो जाता है, जिसको कई विद्वानों ने शुद्ध शब्द भी प्रयोग किया है, तो एकाग्र और शुद्ध हो जाता है, तब क्या स्थिति होगी कि उस हमारा जो आत्मा का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो वो उसी के अनुरूप, तो वहां तो अज्ञानता तो खत्म हो गई है, वो तो ईश्वरीय विषय आ गया उसके ऊपर, सांसारिक विषय से सफाई हो चुकी है, जो भी उसने अपने ले रखा था जीवन में वो सब खत्म कर दिए अपने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, तब वो सीधा सीधा उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे शीशे के सामने आप काला अगर कंबल रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा आएगा? काला आता है उसमें। अगर शीशे के साथ में गुड़हल का फूल रखेंगे तो लाल आएगा। तो इसी प्रकार से जो आत्मा वो तो दर्पण के समान है, तो शीशे का जो चित्त है, चित्त में अगर साफ सुथरा चित्त है, चित्त में कोई दोष नहीं रहा, शुद्ध हो गया, एकाग्र निग्रह की अवस्था हो गई, तो आत्मा को क्या अनुभव होगा? चित्त पर जब कुछ है तो उसे वो स्थिति आ जाएगी और सीधे सीधे वो विषयों से कट जाएगा, आत्मा विषयों से आउट ऑफ टच हो गया। तो ये प्रक्रिया इस चैनल को समझने के लिए, इसलिए चित्त और वैराग और ये सब बातें आ रही हैं। अब समय समाप्त हो रहा है, कल इस पर चर्चा करेंगे कि वैराग क्या होता है। वैराग का जो साधन गिनाया है इस चित्त में, तो ये वैराग के कितने भेद हैं? दो प्रकार का वैराग होता है, एक अपर वैराग, एक पर वैराग। इसके महत्व को और इसकी विवेचना कल करेंगे, आज यहीं पर विराम देते हैं। विषय जरूर कठिन है, लेकिन आप शब्दों के साथ, भावनाओं के साथ जुड़े रहिए, तो यही चीज़ आपको एक दिन जरूर उस स्थान पर पहुंचा देगी। जैसे शुरू में हमने देखा है, हवन करना, लोगों को ठीक से संध्या भी नहीं आती है, गायत्री मंत्र भी शुद्ध नहीं बोलते, लेकिन लगे रहते हैं, तो देखो वही गायत्री मंत्र और संध्या भी शुद्ध आ जाती है। कई चीज़ें, ये ज्ञानी इस प्रकार का है। हमारी माता जी बिल्कुल अनपढ़ थी, उस समय कहाँ स्कूल होते थे पढ़ा तक, लेकिन वो सत्संग में आने से, लगातार सुनते से नहीं भी समझ पाए, वो सारे उनको स्वस्तिवाचन, सात्विक प्रण, पूरे यज्ञ की विधि संध्या याद हो गई बुढ़ापे तक। तो ये श्रुति कहा गया, इसी को जो ज्ञान है ये आध्यात्मिक, ये सुनने से पहला फायदा, सुनते तो रहिए, फिर देखिए धीरे 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 आपकी विवेक बुद्धि जो है वो जागृत हो जाएगी। अब जब जागृत हो जाएगी तो आप सत्य और असत्य को निर्णय करने की क्षमता भी आपके अंदर आ जाएगी, और आपको फिर आचरण करने की बात भी आएगी। ठीक है, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, महर्षि देव दयानंद की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो,
योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को न मोड़ दो। नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक की जय। वैदिक ध्वनि ओ। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।